no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. So what's up guys, कैसे हो आप लोग, सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग जाने लगे टॉप 3 ड्रैग टेक्निक के बारे में। अगर आपको पता नहीं हो टॉप 3 ड्रैग कौन से है, तो पहला ड्रैग जो है आपका स्ट्रेट ड्रैग है, दूसरा जो ड्रैग है आपका रोटेशन ड्रैग है, और तीसरा जो ड्रैग है होल्ड एंड ड्रैग है। तो हम लोग जानने वाले कि तीनों ड्रैग वर्क कैसे करते हैं और तीनों ड्रैग में से कौन सा ड्रैग बेस्ट है, जिससे जो आपका हेडशॉट या वन शॉट है एकदम इजीली लगने लगेंगे। और गाइस आप लोग ने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग का देखा होगा, जिनका जो हर एक गोली एनिमीज के हेड के ऊपर लगता है। इंडियन यूट्यूबर हो गया या ब्राजीलियन यूट्यूबर बोल दो या इंडोनेशियन यूट्यूबर हो गया, उनका हर एक गोली जो है एनिमीज के हेड के ऊपर लगता है। तो उन लोग कौन सा ड्रैग इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका जो हेड एकदम इजीली लगता है, वो भी हम लोग जानने लगते हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहते हो तो आपको जो ड्रैग के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सब क्लियर हो जाएंगे, आपके जो हेडशॉट या वन शॉट है बहुत ज्यादा इजीली लगने लगेंगे। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जान लेते हैं जो आपके टॉप 3 ड्रैग है वो वर्क कैसे करता है। मेरे जो आपके होल्ड एंड ड्रैग हो गया, रोटेशन ड्रैग हो गया या स्ट्रेट ड्रैग हो गया, वो वर्क कैसे करता है, किस टाइम पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका जो हेडशॉट या वन शॉट है बहुत ज्यादा इजीली लगने लगे। तो सबसे पहले चीज मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आप हर एक गोली पे एक जैसा ड्रैग नहीं कर सकते हो। मींस का हर एक गोली पे आप रोटेशन ड्रैग नहीं कर सकते हो, हर एक गोली पे आप स्ट्रेट ड्रैग नहीं कर सकते हो या होल्ड एंड ड्रैग नहीं कर सकते हो। मींस आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एनिमीज का पोजीशन और आपका एम। ठीक है, आपका एम जिस हिसाब से आपका जिस हिसाब से उसी हिसाब से आप ड्रैग करोगे। अगर आपका एम और एनिमीज का पोजीशन अगर रोटेशन ड्रैग के ले तो रोटेशन ड्रैग करोगे, अगर आपका एम होल्ड एंड ड्रैग के ले और एनिमीज का पोजीशन होल्ड एंड ड्रैग के ले तो होल्ड एंड ड्रैग करोगे, अगर आपका एम नॉर्मल है स्ट्रेट ड्रैग के ले आपका जो एनिमीज का पोजीशन है स्ट्रेट ड्रैग के ले तो स्ट्रेट ड्रैग करोगे। मीन्स आपका जो ड्रैग है वो आपके एम के ऊपर मतलब डिपेंड करता है और आपका एनिमीज के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे हम लोग जान लेते हैं तीनों ड्रैग आप कर कैसे सकते हो। मीन्स आप जो होल्ड एंड ड्रैग हो गया, रोटेशन ड्रैग हो गया या आपका स्ट्रेट ड्रैग हो गया, कर कैसे सकते हो। तो सबसे पहले कैसे हम लोग होल्ड एंड ड्रैग के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बंदे लोगों को पता नहीं होगा होल्ड एंड ड्रैग होता क्या है, वर्क कैसे करता है। तो गाइस पहले हम लोग जान लेते हैं अगर होल्ड एंड ड्रैग कब करना है, आपका एम इसका पोजीशन क्या रहना चाहिए, आपका एम किधर रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपका जो एम है एनिमीज के मतलब हेड के बहुत ज्यादा पास हो, मीन्स आपका एम जस्ट एनिमीज के चेस्ट के ऊपर हो, हेड के जस्ट नीचे हो, ठीक है, तभी आपको होल्ड एंड ड्रैग करना। और गाइस एनिमीज का जो पोजीशन है वो किसी साइड भी रहे, ठीक है, मीन्स आपका जो बस एम है एनिमीज के हेड के बहुत ज्यादा पास है, एनिमीज राइट है या लेफ्ट किसी साइड भी जा रहा है, बस आपका जो एम एनिमीज के हेड के बहुत ज्यादा पास है, आपका जो एम एनिमीज के चेस्ट के ऊपर है, मींस एनिमीज के चेस्ट के भी थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो गाइस हम लोग जान लेते हैं कि होल्ड एंड ड्रैग कर कैसे सकते हो। तो गाइस होल्ड एंड ड्रैग करने टाइम पे आप जैसे आप नॉर्मली करते क्या हो, ड्रैग वाले बटन पे क्लिक करते हो और ड्रैग कर देते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो जब भी आप ड्रैग वाले बटन पे क्लिक करते हो तो थोड़ा देर रुकना है, मींस जब आपकी बुलेट निकलने वाली रहेगी, ठीक है, मींस जब आप बुलेट निकलने वाली रहेगी तब भी आपको ड्रैग करना है, और नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग जैसे ही करना है आपको होल्ड एंड ड्रैग, बस आपको जो थोड़ा सा ड्रैग वाले बटन को उसको होल्ड करके रखना है थोड़ा देर। फिर गाइस जो आपका नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग जैसे आप करते हो वैसे आपको कर देना है, मींस पहले आपको ड्रैग वाले बटन को होल्ड करना है, जब गोली निकलने वाली रहेगी तब आपको नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग जैसे कर देना है। अभी बहुत सारे बंदे लोग के मन में ये सवाल होगा कि भाई होल्ड एंड ड्रैग का फायदा क्या है, ये तो नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करने पे भी हेड लग जाएगा। तो गाइस इसका प्रॉफिट ये है, मींस आपका जो एम एनिमीज के हेड के बहुत ज्यादा पास है, अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करोगे या रोटेशन ड्रैग करोगे तो गाइस आपका जो गोली एनिमीज के हेड के ऊपर जाएगा, हेड पे नहीं लगेगा, ठीक है, मींस जो रोटेशन ड्रैग हो गया होल्ड एंड ड्रैग हो गया उसमें थोड़ा सा जोर से ड्रैग लगता है, तो आपका जो एम एनिमीज के हेड के बहुत ज्यादा पास है, अगर आप जोर से ड्रैग करोगे तो एनिमीज के सर के ऊपर से ही गोली जाएगा, लॉजिक सी बात है। अभी बात करते हैं इस रोटेशन ड्रैग वर्क कैसे करता है, आपका एम किधर रहना चाहिए, एनिमीज का पोजीशन किधर रहना चाहिए। तो गाइस एनिमीज किसी में पोजीशन में, ठीक है, बस उसमें आपका एम ही जरूर है अगर आपको रोटेशन ड्रैग करना है तो। इसमें जो एम अगर आपका दूर है, एनिमीज के पास नहीं है, दूर मीन्स ज्यादा दूर नहीं थोड़ा सा ही अगर दूर है तो आप इधर रोटेशन ड्रैग कर सकते हो। तो रोटेशन ड्रैग करना कैसे, तो रोटेशन ड्रैग बहुत ज्यादा इजी, अगर देख सकते हो गाइस मेरा जो एम एनिमीज के लेफ्ट साइड है तो मेरे को राइट साइड रोटेशन ड्रैग करना है, तो कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले मेरे को नीचे राइट साइड थोड़ा सा ड्रैग करना है, फिर ऊपर थोड़ा सा राइट साइड ड्रैग करना है, और पूरा लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, मीन थोड़ा सा सर्कल टाइप में मेरा ड्रैग करना है, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सर्कल टाइप में मेरे को ड्रैग वाले बटन को लेके जाना है, और मेरा जो हेड एकदम इजीली लग जाएगा। और मैं दिखा रहा हूँ मेरा जो एम एनिमीज के हेड के ऊपर कैसे जाएगा, दूर से मेरा एम एनिमीज के हेड के ऊपर कैसे जाएगा, और इसमें हेडशॉट लगने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अभी बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेट ड्रैग। तो स्ट्रेट ड्रैग आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, एनिमीज राइट साइड रहा तो नॉर्मल राइट साइड स्ट्रेट ड्रैग कर देना, और इसमें आपका जो एम है, ठीक है, मिडल बॉडी से लेके एनिमीज के चेस्ट तक रखना है, जिधर मैं अभी आपको ग्रीन बॉक्स दिखा रहा हूँ उतने दूर
में रखना है। और अगर एनिमीज राइट साइड जा रहा है, ठीक है, अगर राइट साइड जा रहा है तो राइट साइड ड्रैग करो, लेफ्ट साइड जा रहा है तो राइट साइड लेफ्ट साइड ड्रैग करो, अगर एनिमी सीधा आ रहा है तो सीधा ड्रैग करो, आपका जो हेडशॉट एकदम इजीली लग जाएगा। अगर वही एनिमीज लॉन्ग रेंज में तो आपका जो एम एनिमीज के बॉडी के ऊपर किधर भी रख सकते हो, राइट साइड है तो राइट साइड ड्रैग करना है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ड्रैग करना, आपका जो हेडशॉट एकदम इजीली लग जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस आपका जो स्ट्रेट ड्रैग है उसको आप लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में दोनों में अप्लाई कर सकते हो, जो आपका रोटेशन ड्रैग हो गया, होल्ड एंड ड्रैग हो गया, उसको मिडिल रेंज और शॉर्ट रेंज में इस्तेमाल कर सकते हो, लॉन्ग रेंज में ट्राई नहीं करना है। अभी बात करते हैं तीनों ड्रैग में से कौन सा ड्रैग बेस्ट है। तो गाइस मेरा जो सजेशन रहेगा, आप तीनों ड्रैग इस्तेमाल करो, अगर आपका एम जिस हिसाब से, आपका एनिमीज जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आप ड्रैग करोगे, तीनों ड्रैग बेस्ट रहेगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।